है ले लो। लाओ इनको लाओ ना ग्रैब। हाथ में दिलाओ पास ले आपका। अरे उधर ले गए भैया। ओपन कर देना हीटर अभी। आईडी लगा दी हाथ में दिलाओ पास ले आपका। कैसे फोटो हुआ यार? थोड़ा थोड़ा पीछे आ जा भाई। ये बस आरो कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है? नीचे करो मास्क। ये तो सब कुछ दिखा। देखिए आज जनपद मुरादाबाद में जो साइबर थाना है उसके द्वारा एक इंटर स्टेट गैंग है जिसको पकड़ा गया, जिसमें 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। और ये वही गैंग है जो कि व्हाट्सएप कॉलिंग करके और फेसबुक के जो अकाउंट होते हैं उन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के और लोगों से फिर दूसरे के अकाउंट में पैसा जो डलवाने का जो काम करते थे, या फिर व्हाट्सएप पे जो चैटिंग के दौरान पहले चैटिंग करते थे और उसके बाद में वीडियो कॉल करके जो अश्लील चैट करने के बाद में उन लोगों को डरा के धमका के और फिर उसके बाद में यूट्यूब पर डालने की धमकी देना, इंस्टाग्राम पर डालने की धमकी देना और साथ ही साथ उसके बाद में पुलिस अधिकारी बन के और ये फिर उनको धमकाते थे कि यदि आपने ये सब चीज़ नहीं किया तो आपके ख़िलाफ़ में ये कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा। तो ये इस तरीके से ये जो पूरा गैंग है काम कर रहा था। और ये राजस्थान के जो थाना सीकरी के रहने वाले हैं दो लड़के, एक लुकमान और अशफाक हैं। ये जनपद जो डीग में डीग पड़ता है वहाँ पे थाना सीकरी वहाँ के हैं दो लोग। और एक यूसुफ पुत्र छोटे हैं जो कि ग्राम सेवारा थाना बिलारी के रहने वाले हैं। एक अफरीद खान हैं जो कि थाना चौपा की जनपद अलवर के रहने वाले हैं। और एक नासिर हैं जो कि थाना छाता जनपद मथुरा के रहने वाले हैं यूपी के। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं ये बॉर्डरिंग जो जनपद है हमारे, जैसे कि मथुरा जनपद है और इसको इधर डीग जनपद है और अलवर जनपद के जो मेवा क्षेत्र के जो लोग थे ये सब मिलके आपस में एक गैंग बना रखा था इन लोगों ने। और आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चों को इन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग दे रखी है कि वो गाँव में ये सब लोग इकट्ठे होकर कोई कॉल करता था तो कोई चैटिंग करता था और कोई बैंक अकाउंट के माध्यम से उनके पैसे ट्रांसफ़र करता था। कई एटीएम इन्होंने फर्जी एटीएम ले रखे थे लोगों के जिनसे कि एटीएम से पैसा विड्रॉल कर लेते थे। इस तरीके से आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको आईपीसी की धारा 467-68-71 और 411 इसके साथ में आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 3,07,000 रुपये नकद इनके पास से मिला है, 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 4 डेबिट कार्ड मिले हैं, 5 फर्जी सिम मिली है, 17 आधार कार्ड मिले हैं, साथ ही साथ 13 पैन कार्ड है, 1 DL है और 2 पासबुक और 1 वोटर आईडी कार्ड इनके पास से मिली है। और इस पूरी कार्रवाई में हमारी जो थाना जनपद मुरादाबाद में जो साइबर थाना है उसकी जो टीम है उनके जो प्रभारी है धर्मेंद्र और उनकी टीम ने इसमें काम किया, साथ में जो हमारी सर्विलांस टीम है साइबर टीम है इन सब लोगों ने इसका सहयोग किया। और ये SP क्राइम साहब और CO क्राइम है इनके नेतृत्व में इन लोगों ने काम करके और ये एक अच्छे गैंग को पकड़ा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग पहले जो पैसा है उसको ब्लॉक करा दिया और उसके बाद में उसको वापस करा लिया। ये काम अक्सर करती रहती है हमारी साइबर टीम, लेकिन जो पूरी गैंग है इसको पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इन लोगों ने बड़ा ही वहाँ पे कॉकस बना रखा है कि वहाँ से गांव में से जब इनको पकड़ पूछताछ के लिए लाया जाता है तो बहुत मुश्किल से ये लोग आ पाते हैं। और इनको पूछताछ के लिए फिर यहाँ पे लाया गया, सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद में इनको आज साइबर थाने से इनको अरेस्ट किया गया यहीं से और अरेस्ट करके इनको जेल भेजा। कितने लोगों को अब तक शिकार बना चुके हैं? इन लोगों से जो जानकारी मिली है पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं और जो 2-3 लोग हैं उन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी की है और उनके अकाउंट्स में 2-3 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन से उनकी हम डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। और इन सारी जो प्रॉपर्टी इन्होंने जो अर्न की है, जो पैसा अर्न किया है इससे, इन सब लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियां और इन्होंने घर भी बनाए और बिजनेस भी अपना शुरू किया है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको एक बिजनेस का रूप दे दिया है, धंधा बना दिया है। और इस कार्रवाई से इन लोगों को ज़रूर एक वो मिलेगा और इसमें बाकी जो इनका बहुत बड़ा गैंग है कभी 30-40 लोगों का, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। और भी जो लोग हैं उनके खिलाफ़ जो इसमें वांछित किए गए हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ़ भी पुलिस हमारी काम करेगी। और साथ ही साथ जो अन्य जो गैंग जो इनसे कनेक्टेड गैंग हैं उन पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं प्रकाश में आती रहती है कि किसी के साथ में फेसबुक को अकाउंट को हैक कर लिया है या उसके जो उसकी फर्जी आईडी बना के पैसे डलवा लिए या फिर कोई उसको इंस्टाग्राम पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फिर पैसे मांग लिए और या जो वीडियो चैट करते हैं जो व्हाट्सएप पे उस पे भी लगातार इस तरह की जनपद में सूचनाएं आती रहती है। तो ये एक अच्छा एक प्रयास है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।